आखिर हर कोई आरजी बकेल इसकी तरह एनिमेशंस क्यों बनाना चाहता है, आरजी के एनिमेशंस में ऐसा क्या है और तुम आरजी की तरह एनिमेशन कैसे बना सकते हो वो भी सिर्फ अपने मोबाइल से, इन सभी सवालों का जवाब तुम्हें आज मिलने वाला है। मैंने आरजी की वीडियोस में कुछ ऐसे पॉइंट नोटिस किए जो आरजी की एनिमेशन को नेक्स्ट लेवल बना देते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है राइट बैकग्राउंड्स। अगर तुम्हारा बैकग्राउंड भी एकदम बोरिंग और सिंपल लगता है तो तुम उसके अंदर कुछ छोटे छोटे एलिमेंट ऐड करके उसको और ज़्यादा बढ़िया बना सकते हो, जैसे कि बॉक्सेस, पत्तियाँ, पत्थर, बाल्टी, कुर्सी एंड मैनी मोर। पर हाँ, ये ज़रूर ध्यान में रखना कि बैकग्राउंड जिस चीज़ के है उसमें एलिमेंट भी उसी चीज़ के होने चाहिए, कहीं पता चले किसी तवेले में एसी लगा दो। तो ये छोटे छोटे एलिमेंट्स तो ज़रूरी होते ही हैं, पर इनसे कई गुना ज़्यादा ज़रूरी होते हैं एक बैकग्राउंड की सही कलर थीम। अगर तुमने एकदम बिल्कुल एक डिटेल्ड बैकग्राउंड बनाया है पर उसकी कलर थीम गड़बड़ है तो तुम्हारा बैकग्राउंड ऑलमोस्ट यूजलेस ही है। देखो, किसी भी फ्रेम में सबसे ज़्यादा एरिया एक बैकग्राउंड ही कवर करता है, कैरेक्टर्स तो बहुत कम जगह घेरते हैं, इसीलिए तुम्हारा बैकग्राउंड और उसकी कलर थीम दोनों चीज़ें सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए अगर तुम्हें हैप्पी या चिल मूड को दिखाना है तो लाइट कलर्स का इस्तेमाल करो, और अगर तुम्हें सैड या डिप्रेस्ड मूड को दिखाना है तो डार्क कलर थीम का इस्तेमाल करो, जैसे आरजी और नोटी टाइप करते हैं। जैसे इस सीन में आरजी खुश है तो तुम्हें लाइट नॉर्मल बैकग्राउंड दिखाई देगा, और इस सीन में आरजी को सैड एक्सप्रेशन दिखाना है तो तुम्हें बैकग्राउंड डार्क दिखाई देगा। नोटी टाइप की वीडियोज में भी तुम्हें इसी तरह का बैकग्राउंड में चेंज दिखाई देगा। अब हमारा अगला पॉइंट आता है स्मॉल एलिमेंट्स। जैसे जब भी आरजी का कैरेक्टर स्टोरी को नैरेट कर रहा होता है तब तुम्हें बीच बीच में इस तरह के कट्स दिखाई देंगे। वीडियो कंटिन्यूसली एक ही स्केल पर नहीं चल रही है, बीच बीच में कट्स लगा के कैमरे को जूम किया गया है। ये कट कुछ ऐसे वर्ड या सेंटेंसेस पे लगाया जाता है जो ज़्यादा ज़रूरी या फनी हो, इससे वीडियो बोरिंग और सिंपल की जगह वर्सेटाइल और इंगेजिंग बन जाती है। अगर तुम आरजी के लाइन वर्क को गौर से देखोगे तो तुम्हें ये शार्प एज लाइंस दिखाई देंगी। आरजी कभी भी राउंड कॉर्नर वाले ब्रशेस का इस्तेमाल नहीं करता है, इससे तुम्हारी एनिमेशन और ज़्यादा स्टाइलिश लगने लग जाती है। तुम डिफरेंस खुद ही अपनी आंखों से देख सकते हो। लाइन आर्ट ड्रॉ करने के लिए हमेशा ब्लैक आउटलाइंस का यूज़ करना बंद करो। जैसे इस सीन में आरजी ने प्लेट की आउटलाइंस के लिए अलग कलर का इस्तेमाल करा है, और सैंडविच की हर एक लेयर के लिए उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग कलर का इस्तेमाल करा है। हर जगह सिर्फ ब्लैक कलर की आउटलाइंस ड्रॉ करने की जगह अलग अलग कलर की आउटलाइन ड्रॉ करने से तुम्हारा वो ऑब्जेक्ट या कैरेक्टर और ज़्यादा सॉफ्ट और नेचुरल लगने लग जाता है। आरजी की वीडियोस में जब भी ट्रैवलिंग सीन आते हैं तो उसमें आरजी दो छोटी छोटी ऐसी चीज़ें करते हैं जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देती हैं, जिसमें पहला है ये हेयर मूवमेंट और दूसरा है ये कपड़ों का ओढ़ना। दोनों ही चीज़ें लगा के तुम्हारी एनिमेशन और ज़्यादा नेचुरल और बिलीवेबल लगने लग जाती है। हेयर मूवमेंट का फुल ट्यूटोरियल तुम्हें इस वीडियो में मिल जाएगा। और ये कपड़ों के वेव होने के एनिमेशन का एक शॉर्ट और ईजी सा मेथड है। फ्लिपर क्लिप में पहली लेयर में हैंड और स्लीव ड्रॉ करो, फिर दूसरी लेयर में इस तरह से एक वेव ड्रॉ करो, फिर इसे कॉपी कर लो और अगले फ्रेम में पेस्ट करके थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, फिर इसी तरह से इसको हर अगले फ्रेम में पेस्ट करके थोड़ा सा आगे बढ़ाते रहो। दैट्स इट। तुमने अक्सर ही देखा होगा कि आरजी की वीडियोज़ के ओपनिंग सीन बहुत ही तगड़े लगते हैं। वो इसलिए इतने अच्छे लगते हैं क्योंकि आरजी उनमें एक इफेक्ट यूज़ करता है जिसे बोलते हैं पैरालैक्स इफेक्ट। अब ये पैरालैक्स इफेक्ट क्या है? तो देखो, कोई भी सीन होता है तो उसके मेनली तीन पार्ट्स होते हैं, बैकग्राउंड, मिडग्राउंड और फोरग्राउंड। जो चीज़ तुम्हारे सबसे पास में है उसे बोलते हैं फोरग्राउंड, और जो चीज़ सबसे दूर है उसे बोलते हैं बैकग्राउंड, और जो इन दोनों के बीच में है वो हुआ मिडग्राउंड। ओके, तो पैरालैक्स इफेक्ट उसे बोलते हैं कि मान लो तुम्हें गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो तो जो चीज़ तुम्हारे सबसे पास होगी वो तुम्हें सबसे तेज चलती हुई दिखाई देगी, और जो चीज़ सबसे दूर होगी वो तुम्हें सबसे धीरे चलती हुई दिखाई देगी। तो इसे ही बोलते हैं पैरालैक्स इफेक्ट। जैसे ये खंभे इस कार के सबसे पास हैं इसलिए तुम्हें काफ़ी तेज मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये जो पहाड़ हैं ये इस कार से बहुत ज़्यादा दूर हैं इसलिए तुम्हें काफ़ी धीरे मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका इस्तेमाल 2D एनिमेशंस में किया जाता है सीन्स को डेप्थ देने के लिए। अब ये इफेक्ट तुम अपने मोबाइल से कैसे लगा सकते हो? बहुत सिंपल है। सबसे पहले हर एक एलिमेंट को एक एक सेपरेट लेयर में ड्रॉ करो। बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है, तुम जिस भी साइज में वर्क कर रहे हो उसकी तुम्हें डबल विड्थ का कैनवस लेना है। फिर सबको काइन मास्टर में ला के इस तरह से लगा दो। अब पहली लेयर पे क्लिक करके इस की फ्रेम वाले ऑप्शन पे आ जाओ। वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग पर आके इस इमेज को बिल्कुल लेफ्ट की तरफ कर दो। अब वीडियो के बिल्कुल एंड पर आओ और इस इमेज को बिल्कुल राइट की तरफ कर दो। अब यही प्रोसेस सभी लेयर्स के लिए रिपीट करो, बस हर बार अगली लेयर को पिछली लेयर से थोड़ा कम मूव करो। एंड यू आर डन। आज ही अपनी वीडियोस में पैरालैक्स इफेक्ट तो लगाते ही है, पर इसी के साथ साथ वो एक और चीज़ लगाता है जिससे ये और ज़्यादा बढ़िया दिखने लग जाता है, जो कि है धुंधलापन। पैरालैक्स इफेक्ट को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए तुम दो तरह के ब्लर लगा सकते हो, गॉजियन ब्लर और मोशन ब्लर। जब भी मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट हो वहाँ पे मोशन ब्लर का इस्तेमाल करो, और जब भी चीज़ें धीरे चल रही हो वहाँ पे गॉजियन ब्लर का इस्तेमाल करो। जैसे इस सीन में आरजी ने मोशन ब्लर का इस्तेमाल करा है और इस सीन में गॉजियन ब्लर का। दोनों ही इफेक्ट तुम्हें काइन मास्टर में मिल जाएंगे। इस चैनल पे एक बहुत ही तगड़ी स्टोरी टाइम एनिमेशन वीडियो आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि वो वीडियो तुम मिस ना कर पाओ।